स्वागत है जी अगली वीडियो में। हम पहुंच गए हैं शिकागो, यहाँ से निकल रहे हैं डेट्रॉइट टोरंटो और फिर आगे ऑटवा अपने घर की तरफ। फैमिली पूरी इंतजार कर रही है, मगर रास्ते में डेट्रॉइट में एक बड़ा जरूरी काम करवाते हुए जाना है, जिसकी अपडेट आपको आज की वीडियो में देते हैं। और करते हैं थोड़ी मस्ती। ओ जा रहे हैं, पत्थर ले जाने वाला ट्रक आया। ओ देखो भाई मोटर होम के पीछे क्या 7x12 का बड़ा कवर्ड वो लेके चल रहा है ट्रेलर। अब जी आई एम श्योर रीसेंट वीडियो थोड़ी सी लेस इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, क्योंकि ये वही रास्ता है जो आप पहले देख चुके हैं। उसी रास्ते से हमने वापस अपने घर भी जाना है, तो इसीलिए कंटेंट हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड ही हो जाता है, क्योंकि मोटर होम ठीक कराने की बेसिकली ये ट्रिप थी, जिसके अंदर कोई ज्यादा ट्रैवल तो इन्वॉल्व नहीं था। फिर भी जो मैं अपनी तरफ से दिखा सकता था दिखाया। अब ये है कि जल्दी जल्दी घर पहुंच के इसको यूरोप ले जाने की तैयारी करी जाए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए सीजन में और सर्दियां शुरू होने की कगार पे हम पहुंच जाए और सारा प्लान गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए फुल स्पीड यहाँ से निकलना है। पहले देखा नहीं कहां से ले गया आ रहा है। लेट मी हेल्प यू बडी। थैंक यू। यू ओके? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली वो लाया इधर इसलिए है क्योंकि वो कोने पे लगाना चाहता है, फिर स्लाइड आउट जो है ना पेड़ की तरफ खुल जाएंगी, तो जो है सबको थोड़ा थोड़ा उनको आराम हो जाएगा, फिक्र नहीं रहती कि यार मेरी स्लाइड आउट में ना कोई ठोक ना जाए। इससे मेरे को रात को थोड़ा सा स्ट्रेस रहा था इस चीज का, बट क्योंकि हमने बाइक प्रोटेक्ट करनी थी तो हमने इसको इस तरीके से लगाया कि बाइक जो है पीछे से उसके उतारने का रास्ता बंद हो जाए। बाकी भी सारे लोग पहुंच गए हैं और इनका तो मैं कह रहा हूँ मोटर होम कमाल है, एडवेंचर है विनय बागो का, फुल वॉल स्लाइड है, बड़ी जगह बन जाती है इसके अंदर। ऋषभ ये तो यहीं थे अभी, ऋषभ को मैंने देखा, वो मेरा सामान वामान लिया यार, वाइजर मेरा जो था ना जो घूम गया था वो उसकी गाड़ी में पड़ा, वो अभी पता लगा भाई लेके आ रहा है। ओ भाई जी क्या बात है, 1 2 3 लगता है पूरी की पूरी कोई जो है या तो VIP जा रहा है या मिलिट्री की रेजिमेंट ही जा रही है, भगवान जाने क्या करने लगे। ये मैंने निकाल लिया एक बायो पाउच, ये डाल दूंगा ब्लैक टैंक के अंदर, क्योंकि अभी ब्लैक टैंक गाड़ी चलेगी, पानी भी उसमें है, तो ये सब जो है ना लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और इसके अंदर लिविंग एंजाइम्स होते हैं, ओडर कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है, कोई स्मेल नहीं लेना नहीं देना नहीं, एकदम बढ़िया। तो मेरे को फ्री मिला था RV किट के साथ, बट मैंने ऐसे और मंगवा ली। वो खड़े भाई पेमेंट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, क्या हाल है? मेरा वाइजर ले? हां वाइजर है गाड़ी। वो पकड़ा दो यार, इससे पहले फिर भूल जाओ। हमारा आधा ध्यान शूटिंग पे, ये शॉट वो शॉट लेना है, ये वो छोटी छोटी चीजें कई बार बंदे के माइंड से निकल जाती है। एक तो निकलने के टाइम पे बारिश आ गई है, कैमरा तो फिर मैंने नीचे डाल दिया, मैंने कहा चल यहीं रहे अभी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे व्यू में टायर आ रहा है यार, ऐसे थोड़ा ठीक है। गाड़ी वापस करनी है ना आज ये वाली, इन्होंने शिकागो एयरपोर्ट पे देनी है जहाँ से उठाई थी, तो इसीलिए बस अब इसको उतारेंगे, ये वापस होगी। और क्योंकि 1 वे चार्ज ना पड़े तो शिकागो से गाड़ी गई थी घूम के वापस आ गई, यही रिटर्न हो जाए। इसको भी रैकेट लगा देना ताकि ये हिले ना। अरे वो भाई हमारा सामान पड़ा भाई, वो लेने आ गए ट्रक, हमारे कैमरे पड़े हैं। अरे अरे यार ये भाई पता, इसके ये उठाएगा लेवलर ले जाएगा इसको। ये सर थोड़ी सी समस्या हो रही है, एंगल थोड़ा ज्यादा है, अभी कोशिश कर रहे हैं एक और ट्राई मारते हैं। अच्छा है, वी कुड यूज सम हेल्प। अच्छी है, मैं पास होता था। अच्छा चलो, आपकी बॉडी भी अच्छी है, जोर भी चाहिए, थोड़ा दिमाग के साथ जोर भी चाहिए। आ जाओ आ जाओ। निखिल भाई कह रहे हैं यहाँ से नीचे उतर पाएंगे जब तक बाइक नहीं आएगी, तो कोई रैंप वाली टाइप जगह चाहिए जहाँ पे काम बने। ये मैं निकलता हूँ पहले क्योंकि इनको टाइम लगेगा, मेरे को जाना है BMW की डीलरशिप जो कि 6 बजे बंद हो जाएगी, 12 मई बच गया, 3.5 घंटे का रास्ता है, ऊपर से 1 घंटे का टाइम जोन डिफरेंस भी है, तो अगर मैं अपने हिसाब से 3:30 पहुंचू तो भी वहाँ 4:30-5 बजे पहुंचूंगा, 6 बजे वो बंद होना है, ऐसा ना हो रात को वही उनकी BMW की डीलरशिप के बाहर सोना पड़ जाए। अरे मेरी टोपी, अरे कहाँ नहीं ढूंढा भाई, वाइजर भी मिल गया, टोपी भी मिल गई, थोड़ी खराब हो गई। ओ कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, रफू करा लेंगे इसको, रफू नहीं वो क्या होता है कलफ लगवा लेंगे। जाना है BMW की डीलरशिप, क्योंकि एक तो मैंने अपना हेलमेट ऑर्डर किया था वो मंगाना, ऊपर से कितना लोअरिंग किट डलवानी है, दो चार और काम कराने, सबने थोड़ा थोड़ा सामान कुछ और खरीदना है जो कि सस्ते में मिल रहा है, इसलिए आप निकलते हैं। ओके ऋषभ भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प एंड ऑल दी हॉस्पिटैलिटी, और वो प्लाक्षा नाम था ना, हाँ, हमारी तरफ से भाई मुश्किल है, स्पेशल थैंक्स पास्ता के लिए, देसी पास्ता मजा आ गया था। हाँ चलो जी चलो चलो।
रेस अगेंस्ट टाइम है जी, पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते बाकी देखो। ओपा ये आडे टायर अरे वाह, इस बार $25 ही कटे हैं क्योंकि पूरे 24 घंटे रुके, नहीं तो शायद हो सकता है इसलिए इज गुड, अदरवाइज इट वाज 38 bucks। बाकी जी एक तरीके से बचा भी हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इवेंट पार्किंग शुरू होने वाली है, वो रेस है ना, और उसकी फीस पता कितनी है 24 घंटे की $85। बाय बाय शिकागो। चलो जी वापस इंटरस्टेट हाईवे पे। मिशिगन की स्टेट लाइन के अंदर मैं एंटर कर गया हूँ और एंटर करते ही सबसे पहले मैसेज आ गया कि टाइम जोन आपका चेंज हो गया है, 1:22 PM की जगह 2:22 PM हो गया है, और मेरा अराइवल टाइम जो 4:05 था वो 5:05 हो गया। इवन दो गूगल मैप्स को पता था कि मेरी डेस्टिनेशन जो है वो दूसरी स्टेट के अंदर है, तो अराइवल टाइम वो वही दिखा रहा था जिस स्टेट से मैं चला था उसका था करेंट टाइम जोन, तो मेरे को लगा था मैं शायद 4:05 में पहुंच जाऊंगा, मगर मैं 5:05 में पहुंच रहा हूँ। 6 बजे स्टोर बंद होना है, 1 घंटे का काम है आज, तो होने सरा बड़ी प्रॉब्लम होगी। मगर चक्कर यह कि मैं जल्दी निकल भी नहीं सकता था ना, क्योंकि निखिल भाई की सबकी वेट करनी थी कि वो आए, बाइक वाला उनका काम करवाऊँ, प्रॉपर नीचे उतर पाए, सामान कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। अब देखते हैं क्या करना है, फोन करके पूछता हूँ। अरे खेती की मशीन जा रही है, डेट्रॉइट का रास्ता इधर, बट अपन बस उन गाड़ियों की वेट करके जाएंगे इधर, क्योंकि यहाँ पेट्रोल भरवाना है, डीजल सॉरी, जो कि हमने भरवाया नहीं इलिनॉय से क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है, तो हम मिशिगन आ गए भरवाने के लिए। यहाँ सही रेट लगा फिर भी 363। आई जस्ट होप इसमें बायोडीजल ना। यहाँ पे ना गैस स्टेशन की एक ये चीज होती है, सस्ते सस्ते पिज्जा लगाते हैं $7, $8, $9, $12 कुछ भी आप ले सकते हो। इनकी टेक्निक होती है लोगों को पुल करने की, और जो पेट्रोल यहाँ पे आप भरवाते हो ना तो उसमें पॉइंट्स देते हैं, उस माइल्स पे कई बार फिर ये वाले पिज्जा फ्री में देते हैं, तो इनके और जो ना लॉयल्टी गेन करने का तरीका होता है। मगर ये जो आप आइटम देखो ना सामने, इसको कहते हैं भाऊजी ओवर लैंडिंग व्हीकल, ये उठी 4x4 है, इसको भाई साहब जहां मर्जी ले जाओ। ये कह रहे थे ये गेट 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा, अगर आपने हमारे यहाँ कैंपिंग करनी है तो उससे पहले पहले आ जाओ, फिर आप बाहर निकल नहीं पाओगे, तो इसलिए अभी डिसीजन लेनी है, थोड़ी सी निखिल भाई के आने पर डिपेंड करता है। बट अभी फिलहाल जो है अपन पहले सामान चुकने जोड़ा लेने आए हैं, बड़ा जरूरी। निखिल भाई तो पहुंचे नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट टू फार। बाकी देखो यहाँ से पानी निकला है, मतलब बीच में की जगह सड़क इतनी खराब थी कि जब छलांग मारता ना फ्रेश वाटर का पानी इसमें से निकला था, बट इट्स वेरी रेयर। एनीवेज सामान चुक लिया, ये तो थोड़ी सी दूर है अभी R18। आए बंद होने की तैयारी हो रही है। ओए होए ये नया वाला कलर है, 4-5 रुपए महंगा, बट ठीक है मेरे को ये वाला पसंद नहीं है इतना, इसलिए नहीं लिया मैंने, पिछला वाला रैली कलर बेटर। तो जी ये वो हेलमेट है जो हमने ऑर्डर किया हुआ था, मैंने ऑर्डर किया इस कलर के अंदर मैट ब्लैक, जो कि निखिल भाई का भी कलर है, और डबल XL साइज मैंने ऑर्डर किया था, जो कि आ गया है एग्जैक्टली ऐसा ही। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि डबल XL जो है ना हैप्पी भाई ने लिया था ये सेम ग्रे, और उनको हो गया वो लूज, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा पहनने के बाद जो है ना वो लूज होता है, तो XL ही ले ले। मगर XL जो मुझे मैट ब्लैक कलर में चाहिए उसमें ना इनके पास अवेलेबल है, ना वो वेबसाइट पे, ना वो ऑर्डर हो सकता है, तो अब आई एम स्टक, या तो मैं ग्रे लूं या ना लूं। मगर 20% डिस्काउंट जो यहां मिल रहा है ना वो कभी आगे मिलेगा नहीं। डबल XL, दिस इज द डबल। Actually, it fits well, but I'm not sure. It just has a bit of a wiggle. Can we replace the padding inside for the XL padding by any chance? You could do XL. I don't have any of the pads, but yeah, okay. You can always do that and just swap it for XL pads. And how much do I pay for the two? So the shell remains the same for XL and double XL, both, just the padding. इसका मतलब उतने दूर नहीं थे जितने मैं सोचा था. These guys like went to Alaska and they're back already. Seriously? Yeah. इससे ना बंदा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है।
कि क्या पहने, काली जैकेट के साथ चल जाएगा? अरे बहुत अच्छा लगेगा, ब्लू तो चमकेगा यार। आपकी चॉइस ही अतरंगी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने ग्रे कैसे ले लिया यार। बस उस दिन समझ आ गया ले लिया, लेकिन आप ले लो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? वाह वाह वाह, क्या हेलमेट है भाई, पर नीले से कलर रिस्ट्रिक्ट। मेरा ले लो ब्लैक, सोच लो। पर आपकी लार्ज है, मेरी एक्सेल है, इसकी शेल पे प्लेस नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, किसी का यूज हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल कलर, ब्यूटीफुल कलर, शाइन मारेगा तो इट्स सेफ्टी। सेफ्टी भी है, वो तो है, या कहते हैं रिफ्लेक्टिव लाइटिंग वाले क्लोथ्स पहनने चाहिए। अब एक्सेल और डबल एक्सेल की शेल जो है वो सेम है निखिल भाई, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर आप पैड लेके डाल दोगे एक्सेल वाले तो ये आपका एक्सेल बन जाएगा। मगर उन्होंने अभी मेरे को एक चीज बोली, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रे वाला पड़ा हुआ है ना, उसके शेल निकाल के हम आपको इसमें डाल के देते हैं, ले जाओ। बेस्ट हो गया काम, क्योंकि पहले मैं इसके बोलना चाहता था, मगर इसके नीले हैं। मेरे पास ब्लैक है, बहुत अच्छा हेलमेट है, बट ये बहुत यूरोप में अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा, कैची लगेगा, इसमें वाइब्रेंट लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी पैडिंग निकाली है वो ग्रे निकल आई, अब वो ब्लैक पैडिंग वाला कोई हेलमेट ढूंढ रहे बस मिल जाए, क्योंकि इतनी दूर आने का जो है ना फिर सकारता हो जाएगा काम। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि $30 गई हैं, तो मैं घर मंगा के ब्लैक वाले फिर बाद में रिप्लेस कर लूंगा। फिलहाल जैसा है वैसा लेके जा रहे हैं, इतने रेट में ये हेलमेट वैसे भी नहीं मिलता, बहुत लाइट बहुत बढ़िया। बस इसके अंदर जो है आप कार्डो डाल रहे हैं कॉम के लिए, वो करवाते टाइम $30 के वो मंगवा के मैं रिप्लेस भी करा लूंगा। निकल गए जी। अब जो मोटरसाइकिल को नीचे करने के लिए लगवाना था ना, उसका जो पुर्जा था वही $300 का था, और लगवाई $150 की अलग, और टैक्स टूक्स मिला के $500 लग रहे थे। मैंने कहा यार अब कंफर्ट के लिए ना 500 और नहीं लगाता, सेफ्टी की मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि पैर तो लग ही रहे हैं नीचे, इसलिए वो मैंने रहने दिया, क्योंकि उसके लिए मेरे को आज रात को रुकना भी पड़ता है यहाँ पे। कल सुबह सुबह लगाते, हमको पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी, 5:30 पहुंचे, एक डेढ़ घंटे का उसमें काम था, तो मैंने कहा रहने दो। आधे घंटे के अंदर फिर पहुंचेंगे कनाडा, और इमिग्रेशन वाले कहेंगे तुमने अच्छा मजाक बनाया भाई, अंदर बाहर। यही वो साइन है जी जो मैं पहली मोटर होम ट्रिप पे देखा था, जब मैं घर लेके जा रहा था इसको खरीद के। वही एम्बेसडर ब्रिज आ गया जी, और टाइम कोई 40 दिन का बीता है, मगर 8,900 तकरीबन 9,000 किलोमीटर ये चल चुका है। ये टोल $3.50 का टू एंटर कनाडा। अमेरिकन 9.25। ओके, आप इधर से आ सकते हो, पर पता नहीं लोग जा क्यों नहीं रहे। एक भी चला गया तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक ने हिम्मत करी, पीछे लाइन लगी भाई जी। चलो हम भी चलते हैं। तो डेट्रॉइट को बाय बाय कर दे। हेलो ऑफिसर, it's a temporary plate. It's a... Why are you importing this? No, I'm not importing. I'm actually not a Canadian, Indian. And I bought this to travel the world, and I'll be shipping it to Europe soon. I have family here though. My wife is a Canadian. Where is she? She is in Ottawa right now. This goes get shipped out. What day? 99% July 12th. I'm just waiting for the plates to come and the title. And my lawyer tells that the title should be ready within a couple of weeks. Thank you so very much. ये ठीक है। एक बार होगी इंक्वायरी, लगता है बार बार नहीं करेंगे। इस बार पूछा भी नहीं क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा, उसको पता है बंदा है ही नहीं यहाँ का, जा रहा है टिकेगा ही नहीं, तो उसने कहा क्या ड्यूटी बनती है। निकल भाई भी ऑलमोस्ट पहुंच गए, मैं बस थोड़ा सा रुक जाऊं, क्योंकि आगे ना हम जा रहे हैं चाबी भाई के घर, हमारे नेपाली ब्रदर जो कि हमको जाते हुए जब डीजल डल गया था तब मिले थे ना, तो उनका घर यहीं विंसर में है। तो उन्होंने कहा कि रात को आप मोटर मेरे ड्राइवे पर लगा ना, खाना वाना मैं बना के रखता हूँ, आप यही आओ अपना, मिलते हुए जाना, फिर आगे निकलना। तो कल हमारा आगे टोरंटो की तरफ रास्ता शुरू होगा, मगर शाम के 7-8 बज गए, तो अभी फिलहाल उनके हैं। अरे गई पार्टी अपनी, अरे पकड़ लो पकड़ो भाई। Welcome to Windsor, Ontario, Canada. ये जी विंसर शहर बिल्कुल ही बॉर्डर के पास है, कुल मिला के कोई 18 मिनट के आसपास ही जो है ना उनका घर दूर था, जहाँ हमने एम्बेसडर ब्रिज से क्रॉसिंग करी है। अच्छा सा क्वाइट सा नेबरहुड है,
आई एम होपिंग कि ड्राइवे पे जगह मिल जाएगी, कहा तो अच्छा तुमने। अरे तो बहुत टेढ़ा है यार ड्राइवे। अरे चाय भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी सुंदर जैसे कहते हैं ना गली में घर है, चाबी भाई का मानना पड़ेगा। वाह सामान अंदर सेट, क्योंकि भाई देखो गाड़ी वाड़ी बैग में प्रॉब्लम। अभी ये इतना टेढ़ा सरफेस है कैमरे पे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पानी यहाँ ना टिके इसलिए नीचे कर देते ना, कि इसके ऊपर तो इसको बैलेंस स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेट क्यों कर रहे थे? मैं 2 सेकंड ही आगे था तो मैंने कहा साथ ही चलते हैं। हाँ 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 जरा ही आगे था। हेलो यस यू कैन गो इनसाइड, कम ऑन देयर यू गो। मेरी इंटेंशन इसी की है, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, पता नहीं उठ पाएगा कि नहीं, बट स्लाइड आउट मुझे समझ आ गई है कि बेंट पे खोलनी नहीं है, वजन पड़ जाएगा। लेट्स सी इफ वी गेट लकी। ओके बाबा जी दा नाम लेके ओ तेरी एक एक करके उठ रहा है यार, ये तो एक हवा में दूसरा नीचे। और इस स्लाइड आउट का ना ये भी कहते हैं कि अगर ये लेवल करने की कोशिश कर रही हो और 1-2 मिनट में अगर ना कर पाए ना, तो उसके बाद इसको बंद करके दोबारा आधे घंटे तक चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी कंप्रेशन और इसकी बहुत हैवी मोटर्स होती हैं जिस पे वो होती हैं, वो ओवरहीट होने का खतरा रहता है, फिर वो खराब हो सकती है। अभी भी मोटर स्ट्रगल कर रही है, अगर अभी भी नहीं हुआ तो इसको बंद भी नहीं होगा। हाँ ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मगर जाएगा नहीं, तो नहीं हो सकता। अरे वाह ब्यूटीफुल। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, चाबी भाई आपका घर बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा। यस स्ट्रीट और एरिया लोकेशन सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत वेरी क्वाइट, बहुत हां वेरी क्वाइट दैट इज फैमिली। हां हां मुझे बहुत पसंद आया था सर, बहुत पसंद। अरे व्हाट्स योर नेम? जेसन है इसके लिए, और चाबी जा रहा है ऐसा लग रहा है। बाहुबली वो नहीं था, वो बाहुबली स्पाइडरमैन में वो विलन नहीं होता था जिसके अरे वाह पूरी फील देने के लिए। ये क्या है ऑन एरिया भाई, नेटवर्क वाला कुछ करता है ना क्या? कुछ तो करता है इंटरनेट का कुछ तो। ओके 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 भाई, लास्ट टाइम में आया था करता, अच्छा वो थोड़ा छोटा था बट वो बहुत हाईटेक लग रहा था, ये बड़ा है ना। हां हां अब बता, ये भी हम एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वाह जी वाह, राजमा चावल मजा आ गया। ये अचार है वो स्पेशल, नाइस मस्टर्ड वाले बनाया। थैंक यू, ये सब्जी है या ये अचार है? अचार परफेक्ट, थैंक यू सो मच भाभी जी।